यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैं सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है तो आप ये फार्मूला लिख के आओगे। वन मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अब देखो, ए बी सी मैंने बताया हुआ था d निकालने के लिए, तो यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है 1, c क्या है माइनस 4। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 32, ये आ जाएगा 33 d। अब यहाँ पे वही लिखेंगे, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0 देयर फोर रूट्स एग्जिस्ट, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो x क्या आ जाएगा माइनस बी, व्हाट इज बी हेयर माइनस 1, बी 1 है तो माइनस फार्मूले वाला, प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब 33 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 इंटू ए, ए क्या है हमारे पास 2, तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, 2 2 4। अब इसको सेपरेट कर दो, प्लस माइनस का मतलब है एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33/4, सेकेंड आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 33/4, दिस इज द आंसर। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड करवा रहा हूँ, 4x² प्लस 4√3x + 3। मैं सीधा d निकालूंगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3, यहाँ पे 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, बिकॉज d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, तो माइनस बी, बी हमारे पास है 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, अंडर रूट डी मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर रूट बाय 2 × 4। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस 0/8, दूसरा आ जाएगा माइनस 4√3 माइनस 0/8, माइनस 4√3 0 किया प्लस तो इतना ही रह जाएगा, इधर भी माइनस 4√3 0 माइनस किया तो भी इतना ही रह जाएगा, 4 1 is 4, 4 2 is 8, यहाँ पे 4 2 is 8, तो x आ जाएगा माइनस √3/2, इधर भी x इज इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है जी, तो ये आ गया इसका आंसर। अब मेथड चाहे जो मर्जी हो, जैसे मैंने आपको मीन के बारे में भी बताया था, मीन के भी दो मेथड करवा तीन मेथड करवा